नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पर्व में इस वक्त पूरा देश डूबा हुआ है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप को समर्पित होता है और आज शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता के नाम होता है। माँ के हर रूप की तरह ये रूप भी बेहद सरस और मोहक है। स्कंद माता अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती है। चाहे जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो माँ की शरण में पहुंचता है तो माँ उसे भी अपने प्रेम के आंचल से ढक लेती है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा का मातृत्व परिभाषित करने वाला स्वरूप माना जाता है। तो चलिए आज माँ के इस कोमल रूप से आपका परिचय करवाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज माँ की भक्ति का पांचवा दिन है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा का मातृत्व परिभाषित करने वाला स्वरूप माना जाता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप बेहद मनमोहक होता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाएं तरफ की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद गोद में लिए हैं और नीचे की भुजा में कमल पुष्प थामे हैं। वहीं बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में और नीचे की भुजा में कमल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। इस पर तारकासुर ने शिव जी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा था, क्योंकि वो ये सोचता था कि शिव जी का कभी विवाह नहीं होगा और विवाह नहीं से पुत्र भी नहीं होगा, ऐसे में उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। वरदान मिलने पर तारकासुर जनता पर अत्याचार करने लगा और लोगों ने शिव जी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय पैदा हुए। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं उसे देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। देवी माँ की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हम आशा करते हैं कि माँ अपना आशीर्वाद आज सभी भक्तों पर बरसाएंगी। जय माता दी।